हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसके यूज से आपके बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपको यूज करना होगा इस पानी का, जो फ्रेंड्स चावलों का। आपको फ्रेंड्स चावलों के इस पानी को अपने बालों में लगाना है और इस पानी से आपको अपने बालों को वॉश करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इससे अपने बालों को वॉश कैसे करना है और किस तरह से आपको इस पानी को बनाकर तैयार करना है। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो गाइस जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे। सबसे पहले आपको एक मुट्ठी चावल लेनी है और उस चावलों को आपको पानी में भिगो देना होगा। आपको फ्रेंड्स मात्र आधी कटोरी पानी उसमें ऐड करनी है और उन चावलों को उस पानी में भिगो देना होगा। आपको फ्रेंड्स उस चावलों को 24 घंटे के लिए भिगोना होगा। उसके बाद जब आप उसका यूज करेंगे तो आपको करना ये है फ्रेंड्स, आपको चावलों को अच्छी तरह से मसल लेना होगा इस तरह से, और आपको उस चावल के पानी को मसल अच्छे से मसलना है। और मसलने के बाद आपको फिर उस चावलों के पानी को अलग कर लेना होगा, एक क्लीन बाउल में निकाल लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल में इस पानी को निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें अपना शैम्पू ऐड करना होगा। अगर आप एक या दो शैम्पू, जितने भी शैम्पू यूज करते हैं, आप इस पानी में उस शैम्पू को निकाल लीजिएगा। पूरे शैम्पू के पाउच को आप इसमें खाली कर दीजिए और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा विटामिनी कैप्सूल। इवॉन कंपनी के 400 mg का एक विटामिनी कैप्सूल आपको इसमें ऐड कर देना होगा। इसके पूरे ऑयल को आप इस पानी में ऐड कर दीजिएगा। आपको फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच शहद ऐड करना होगा। और इसके बाद आप अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद आपको इस पेस्ट से यानी कि इस पानी से अपने बालों को वॉश करना होगा। फ्रेंड्स, इसके वॉश से आपके बालों में नई जान आएगी, बाल तेजी से ग्रोथ करेंगे और आपके बालों का झड़ना टूटना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, नए बाल तेजी से उगने शुरू हो जाएंगे। अगर गाइस आप भी अपने बालों को तेजी से घना करना चाहते हैं तो इस पानी से एक बार अपने बालों को वॉश करके देखिए, एक बार में आपको इसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। ये रिजल्ट आपके बालों के लिए बेहद काम आने वाला है। तो गाइस, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी होगी, तो आप इजीली इस नुस्खे को बनाइए और बनाकर अपने बालों में यूज़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको इसे हमेशा फ्रेश ही बनाकर अपने बालों में यूज़ करना होगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।